A very good evening to all students. Today we will discuss about it, summer solstice. ठीक है, अब ये देखिए चैप्टर है आपका मोशंस ऑफ द अर्थ. थर्ड चैप्टर है ये आपका रोटेशन रिवॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ रहे हैं द फिनोमिनन ऑफ सीजन. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे देखिए समर सोलस्टिस के बारे में. समर सोलस्टिस देखिए क्या होता है. सबसे पहले तो समर सोलस्टिस को जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि समर सोलस्टिस आखिर होता क्या है. समर सोलस्टिस में देखिए क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म आयनांत. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी कंट्रीज है ना, जितनी भी, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, और इंडिया भी हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. तो मोस्टली जो है कि जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा मतलब गर्मी ही रहती है, मतलब ज़्यादातर भागों में गर्मी ही होती है. तो इसीलिए इसे समर सोलस्टिस का नाम दिया गया है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन ऑफ सिक्स मंथ 24 मार्च एंड 23. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ समर सोलस्टिस. ठीक है, तो ये जो पोजिशन होती है हमारी क्या कहलाती है, समर सोलस्टिस कहलाती है. ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है इस वाले पार्ट में ज़्यादा में, तो सिक्स मंथ तो क्या रहती है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक गर्मी होती है यहाँ पे. तो सीन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज गेटिंग अ लाइट फ्रॉम द सन. क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस पोर्शन में जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है हमारा, यहाँ पे जो सन की जो लाइट होती है वो बिल्कुल मतलब सीधी पड़ती है और ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. इट इज़ द समर इन द रीजन पार्ट ऑफ द इक्वेटर. अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर रिसीव स्लैंटिंग सन रेज. तो जो साउथर्न हेमिस्फेयर होते हैं उसमें मतलब सन की जो रेज होती है वो बहुत कम पड़ती है, मतलब सूरज की जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग मीन्स ऐसी पड़ती हैं, तो इसीलिए वहां पे क्या होती है, ठंड होती है. तो वो कुछ ही ऐसे प्रदेश होते हैं और कुछ ही ऐसे देश कंट्रीज होती हैं जहां पे ये जो है ये कम होती है, तो वहां पे ठंड होती है. और तभी भी देख लें आप इंडिया में हैं कि इंडिया में 2 या 3 महीने ही ठंड रहती है और बाकी क्या होता है, बाकी गर्मी होती है. हैंस दिस हेमिस्फेयर इंजॉयज द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो जहाँ पे कम सन की रेज होती है वहाँ पे वो क्या होते हैं, हेमिस्फेयर वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं किस सीजन को, विंटर के सीजन को. ऑन 21 जून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर. ड्यू टू दिस, क्योंकि 21 जून को जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है, डायरेक्टली मतलब गिरती है, डायरेक्टली आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. तो इसी कारण से एरिया अराउंड दिस लैटिट्यूड बिकम्स वेरी हॉट. इसीलिए जो लैटिट्यूड का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. ऑन अदर हैंड द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट. और जो एरिया जो कि पोल्स के बिल्कुल पास में होता है वो जो एरिया है वो कम रिसीव करता है हीट होती है जो, बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. हैंस ऑन 21 जून द डे ऑफ द लॉन्गेस्ट. इसीलिए 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, और जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है. द इक्वेटर रिसीव्स 12 आवर्स ऑफ डे नाइट एज डे लाइट सॉरी as we move away from the equator towards the northern pole, and duration of daytime starts increasing. During the duration this time across some region at the poles there is 24 hours of the daylight. jahan pe daylight jo hoti 24 hours hoti hai, this is because the tilt of, kyunki jo sun ye hoti hai wo tilt ho jata hai wahan pe, and earth towards sun एक्सपोजेज, जहाँ पे जो अर्थ अर्थ की तरफ टिल्ट हो जाती है वो जो लाइन होती है, और जो सन है एक्सपोजेज नॉर्दर्न पोर्शन टू आर्कटिक सर्कल टू कंटिन्यू सनलाइट. दिस इज वाई, ये इसीलिए होता है, इसी कारण से होता है कि दिस रीजन आर ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. इसीलिए इस रीजन को मिडनाइट सन भी कहा जाता है. दिस सिंपली मीन्स दैट इवन ड्यूरिंग मिडनाइट, इसका मतलब सिंपल ये है कि मिडनाइट में मतलब आधी रात में भी द सन इज विजिबल, जो सन होता है आपका विजिबल होता है, आप देख सकते हो उसको. फॉर एग्जाम्पल इन स्वालबार्ड नॉर्थवे देर इज नो सनसेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19 अप्रैल ऑफ 23 अगस्त. देर आर ऑल्सो फ्यू प्लेसेज, कुछ ऐसे प्लेसेज हैं वेयर द सन इज कंटिन्यूसली विजिबल, जहाँ पे जो सन होता है वो कंटिन्यूसली विजिबल होता है 6 मंथ के लिए इन अ ईयर. ऑन द कंट्री सम रीजन ऑफ साउथर्न हेमिस्फेयर नियर द आर्कटिक सर्कल डू नॉट रिसीव. और उसके अलग जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें आर्कटिक जो सर्कल होता है उसमें वो जो सनलाइट होती है वो रिसीव नहीं कर पाते उस चीज को. तो दीज एरिया आर कंप्लीटली एनगल्फ्ड इन द डार्कनेस. इसीलिए जो एरिया होता है वो बिल्कुल उसके अंधकार में डूब जाता है फॉर अबाउट 6 मंथ इन अ ईयर, 6 मंथ में मतलब 6 मंथ साल भर में. ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे. ये जो है देखिए ये आपका दिया हुआ ऑटनल, ये जो एग्नोक्स है
नॉर्थ एंड ऑटम है, साउथ एंड स्प्रिंग है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑटनल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, विंटर सोलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और इसे समझने की कोशिश करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।